क्या झारखंड में भी बीजेपी को लगने वाला है जोर का झटका? क्या झारखंड चुनाव में भी टूटने वाली है बीजेपी की उम्मीदें? हाल ही में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों को जोर का झटका लगा। दोनों ही प्रदेशों में अपने दम पर सरकार बनाने के बीजेपी के दावों की हवा निकल गई। ऐसे में अब सभी की नजर झारखंड पर है, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन पार्टी नेताओं की बातों से ऐसा लगता है कि यहां भी पार्टी अपने बूते सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नहीं है। दरअसल झारखंड में अभी पहले ही चरण के लिए वोट डाले गए हैं। 4 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन बीजेपी के नेता अभी से ही ये कहने लगे हैं कि उनकी पार्टी प्रदेश में AJSU के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। पार्टी की ओर से ये बात बार बार बोली जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि सुदेश हमारे मित्र और भाई जैसे हैं, वो सरकार में जरूर शामिल होंगे। हालांकि AJSU नेता सुदेश महतो का कहना है कि फिलहाल चुनावी मैदान में बीजेपी से दोस्ती नहीं, कुश्ती होगी। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के सियासी मायने तलाशे जाने लगे। सियासी जानकारों की माने तो पार्टी को तमाम दावों के बावजूद ये फीडबैक है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम त्रिशंकु होने वाला है। ऐसे में सुदेश महतो जैसे पुराने सहयोगी की उन्हें निश्चित रूप से जरूरत होगी। इससे पहले अमित शाह भी कह चुके हैं कि AJSU उनके भविष्य के सरकार में शामिल होगी। उधर बीजेपी नेताओं के इस बयान से विरोधियों को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सुदेश महतो बीजेपी के साथ फिक्स मैच खेल रहे हैं। पार्टी नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान से हमारी बातों की पुष्टि हुई और जनता इसका बेहतर फैसला करेगी। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी के साथ सीटों पर सहमति नहीं बनने के बाद AJSU प्रमुख सुदेश महतो ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 20 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए। शुरू में बीजेपी को लगता था कि उनके अधिक प्रत्याशी चुनाव में रहने से विरोधियों को नुकसान होगा, लेकिन कई सीटों से जब उनके पार्टी प्रत्याशियों ने शिकायत शुरू कर दी कि AJSU उम्मीदवार की वजह से उनके वोट पर असर हो रहा है, तब अचानक बीजेपी नेताओं ने अपने सुर बदल लिए। अब चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।